संडे का दिन है, रविवार। आज से दूसरा मैंने मतलब मैं अंडा 3 साल मैंने अंडा खाना छोड़ चुका हूँ। तो ये सिक के हो गया है, सुनहरा ब्राउन रेडी हो गया। तो ये बनाने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए 2 टेबल स्पून बेसन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है भव्या और आप लोग देख रहे हैं मेरा व्लॉग नंबर 6। जी हाँ, व्लॉग नंबर 6 देख रहे हैं। और संडे का दिन है, रविवार। मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। तो हमने सोचा कि अब संडे टू संडे एक और व्लॉग भी आएगा, हर संडे एक व्लॉग आएगा, क्योंकि जो एक लास्ट व्लॉग था उसमें मम्मी के खाने की बड़ी तारीफ हुई थी। तो मम्मी ने कहा कि अब खाने का भी मैं व्लॉग डाला करूंगी, है ना। तो मम्मी अब खाने का व्लॉग डाला करेंगी हर संडे टू संडे, मतलब रेसिपीज वगैरह बताया करेंगी उसमें। और आज जो हम बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, सस्ते नॉन वेजिटेरियंस के लिए खाना बना रहे हैं, वेज ऑमलेट, है ना, वेज ऑमलेट बना रहे हैं। और ये पूरी रेसिपी मम्मी बताएंगे, इसमें साथ में भी हूँ, बातें करेंगे, मस्ती करेंगे, है ना। और आज क्या है, रविवार है। और इस पूरे मतलब संडे संडे शो का जो नाम होगा, मतलब ब्लॉग का नाम होगा, उसका हम रखेंगे रविवार की रसोई। तो चलिए शुरू करते हैं। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। तो ये बनाने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए 2 टेबल स्पून बेसन, है ना, इसमें 1 चम्मच मैदा मिक्स करा हुआ। और ये रो रो के काटो प्याज और हरी मिर्च, जिससे भी जलती है तुम उसके खाने में ला दो, फिर उसकी जलनी शुरू हो जाएगी। जी पूरा प्रॉपर कर दिया करो। ये से मम्मी पानी मिला रही है, ये पानी मिलाने से क्या होगा, ऑमलेट कैसे बनेगा। तो ये मतलब एक चीज बताओ, ये वेज ऑमलेट कैसे सूझा आपको? यूट्यूब पर देखकर। ये किसी और की रेसिपी उठा के इसमें लगा रहे हो, ये बहुत गलत चीज है। ये किसी और की रेसिपी उठा के यहाँ लगा रही है। हाँ वो मतलब कॉपीराइट ना आ जाए ना, इसलिए अनियन और ग्रीन चिली मिक्स कर दो तो कॉपीराइट नहीं आएगा। ये मतलब बड़ा सही सिस्टम है। और ये इसमें थोड़ा सा नमक डाला, स्वाद अनुसार डालो, है ना, अपने हिसाब से। क्या डालना है? सोडा। सोडा तो उसके साथ लगता है ना, बड़ा हरामी हो बेटा। अच्छा इसमें भी लगता है, ये दूसरा वाला सोडा, हम पंजाबी है तो हम वही वाला सोडा समझ पाते हैं। खाने का सोडा अलग आता है, इसको हिलाओ और इसमें ध्यान से हिलाना, गट्टे ना बन जाए, वरना ये गट्टे की सब्जी बन जाएगा, चीला बनने के अलावा, है ना। पता चलेगा हम हम बनाने जा रहे हैं ये, क्या बोलते हैं, वेज ऑमलेट और बन रही है गट्टे की सब्जी। ओके, सो ये तवा गर्म कर रखा था, उसके ऊपर डाला है हमने ऑयल डाला है, बहुत बढ़िया। ओके एंड डाल रहे हैं इसके ऊपर हम, इसमें पेपर डलेगी। ओके, और इसका टेस्ट अगर ऑमलेट जैसा नहीं आया फिर 100% आएगा। तो इसमें ओरिगैनो भी डाल दें? जो भी डालना डाल दो। मतलब ये काली मिर्च ज़्यादा, अच्छा काली मिर्च ज़्यादा अच्छी लगती है। हरी मिर्च डाल दी, काली मिर्च डाल दो, लाल रह गई है नहीं, वो नहीं डालनी। अच्छा, और ये हमने डाल दिया इस पर, अब देखते हैं वेज ऑमलेट हमारा कैसा बनता है। इसको ऐसे ही हिलाना है। ये हिलाया जा नहीं रहा है, ये डोसा वालों से सीख सीख के आई है। और ये बिना बात के जबरदस्ती हिला रही है। देखो पहली बार बना रहे हैं, अच्छे से बनाओ, लोग तभी लाइक करेंगे। ये क्या कोरोना जैसा बना दिया है, देखते हैं कैसा बनता है। A few moments later, जो चीला था वो फाइनली बनके क्या हो गया, रेडी हो गया। एंड क्या लगता है, सुपर टेस्टी बना है। और पापा को टेस्ट कराएंगे, अब पता चलेगा क्या है। ओके, अभी पापा और सार्थक दोनों बैठे हैं और ये मम्मी फाइनली ले आई हैं। टेस्ट करके बताओ पापा कैसा है। सार्थक तू भी टेस्ट करके बताना, ठीक है। मम्मी इधर आओ, रिजल्ट देखते हैं। ओके एंड लेट्स सी क्या आता है रिजल्ट। ये हमारा जो है, पहले आप खाओ फिर बताते क्या है ये, क्या है, किसी से मिल, कौन सा मतलब सिमिलर टेस्ट लगा किसी चीज से, किस से? अंडे की तरह। ये पहले ही बताया था, स्क्रिप्टेड नहीं है, ये झूठ नहीं बोल रहे। और इसका नाम वेज ऑमलेट है। और एक बार मैं भी टेस्ट करके देखता हूँ। एंड सार्थक कैसा लगा तू बता, पहले ऑमलेट जैसा आ रहा है टेस्ट पक्का?
यार ये पहले ही काका है। और एक बार आप टेस्ट करके देखो अपनी रेसिपी, अपनी नहीं किसी और की जो अपनी बना ली है। सो पर ये तो बोलेंगे ना, अच्छा बना है तो आप लोग भी घर पे ट्राई करें इसको। एंड एक बार मैं भी खा के देखता हूँ कैसा है। तो काफ़ी मतलब फ्लफी फ्लफी सा है, अमेजिंग टेस्टी बना। हाँ यार अच्छा है। आज से 2 साल पहले मतलब मैं अंडा 3 साल पहले अंडा खाना छोड़ चुका हूँ, बट मैं बड़ा बढ़िया लग रहा है एंड अंडे जैसे ही टेस्ट है इसका। तो धन्यवाद मम्मी जी आपने बनाया ये। एंड अगली बार कुछ अपना लेके आना, किसी और की YouTube रेसिपी नहीं उठाना। ओके सो इसी के साथ आई एंड माय रविवार की रसोई हेयर ओनली। एंड मिलते हैं अगले ब्लॉग में, और अब से रेगुलर ब्लॉग आएंगे। बीच में थोड़ा डिले हो गया था क्योंकि मेरे को थोड़ा काम आ गया था मेरा, आज भी मैं सुबह सुबह शो करके हटा हूँ। सो या अब रेगुलर रहेंगे, चाहे शो हो या ना हो, हर हफ्ते में ब्लॉग आएगा और रेगुलर बेसिस पे आएगा। एंड थैंक यू, कीप सपोर्टिंग, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।